सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में एक्सेस 125 के एक छोटे से अपडेट का ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको। मैंने एक्सेस 125 बहुत चलाई है, मेरे फ्रेंड के पास भी थी, तो अभी मुझे इसकी टेस्ट राइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंजन में कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए हैं। सुजुकी के लिए एक्सेस 125 एक बहुत अच्छा और फ्लैगशिप मॉडल साबित हुआ और इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इसको लोग बहुत पसंद भी करने लगे। इसी को देखते हुए सुजुकी कुछ टाइम में एक्सेस में नए अपडेट्स दे देता है जिससे ये स्कूटर दूसरी स्कूटर्स के कंपेरिजन में आउटडेटेड ना दिखे। लुक्स देखें तो फ्रंट हेलोजन हेडलैम्प मिलता है इसमें क्रोम सराउंडिंग के साथ और लॉन्ग इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि बॉडी पर माउंटेड हैं। ये रेट्रो मॉडर्न लुक है जो कि देखने में काफ़ी एलिगेंट और स्टाइलिश लगता है। रियर टेल लाइट में इसमें कन्वेंशनल लाइट मिलती है और क्रोम एसेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इसकी रियर प्रोफाइल को स्टाइलिश बनाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें पार्ट डिजिटल देखने को मिलता है जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है जो कि इग्निशन ऑन करने के बाद स्वाइप करता है और एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है जो कि इजी टू रीड है। इसमें फ्यूल गेज ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर्स और ऑयल चेंज रिमाइंडर मिलता है जो कि स्कूटर के हिसाब से यूजफुल फीचर्स हैं और इससे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। इसमें वन टच स्टार्ट सिस्टम मिलता है जिससे होता यह है कि अगर आप सेल्फ बटन दबा के छोड़ देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी स्कूटर्स में आपको स्टार्ट करने के लिए सेल्फ का बटन दबा के रखना पड़ता है। ये एक काफ़ी यूजफुल और टाइम सेविंग फीचर है। ये 124cc का एयर कूल्ड टू वेल्व इंजन है जो मैक्स पावर 8.7 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 10.2 Nm का। पावर फिगर्स देखें तो 125cc सेगमेंट में डिसेंट हैं और इस स्कूटर का पावर टू वेट रेशो भी अच्छा है, तो इंजन काफ़ी स्मूथली चलता है बिना किसी स्ट्रेस के। पिकअप इसका बहुत अच्छा है, इंजन स्मूथनेस का जवाब नहीं है। रिफाइनमेंट थोड़ा सा लैक करता है और आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करने पर कंबशन साउंड आएगा इंजन से, जिससे आपको ये फील होगा कि इंजन पर स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं उस टाइम। इंजन स्मूथनेस तो ये TVS जुपिटर और होंडा एक्टिवा को भी पीछे छोड़ती है इस मामले में। टॉप स्पीड इसकी 90-95 KMPH तक टच हो जाती है। माइलेज इसका 40-50 KMPL तक का ये दे सकती है। अच्छी राइडिंग कंडीशन में माइलेज आप इससे और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इसमें यूटिलिटी स्पेसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि डेली यूज़ में यूजेबल हैं। फ्रंट हुक मिलता है, अंडर सीट हुक मिलता है, फ्रंट पॉकेट मिलती है जिसमें एक 1 लीटर वाटर बॉटल फिक्स हो सकती है, 21.8 liters का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है जो कि डिसेंट है। फ्रंट पॉकेट के ऊपर एक ऑप्शनल मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है जिससे आप ऑन द गो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और फ्रंट पॉकेट में रख सकते हैं मोबाइल को। तो ये एक काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जिससे प्रैक्टिकलिटी गाड़ी की जो है वो डिफाइन होती है। फ्रंट पॉकेट के साइड में एक हल्का सा पीप होल दिया हुआ है जिससे आप ब्रेक फ्लूइड देख सकते हैं। फ्रंट डिस्क वेरियंट में ये आपको मिलेगा जो ब्रेक फ्लूइड की लेवल इंडिकेट करेगा। लोग ये कहेंगे कि एक्सेस 125 में मेटल पार्ट्स का कम यूज़ हुआ है जो कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं दी है, लेकिन यहाँ जो फाइबर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और ये कंपनी ने वेट लूज़ करने के लिए करा है। इसमें मिक्स्ड बॉडी है, आप ये समझ सकते हैं कहीं मेटल है कहीं फाइबर है। फाइबर पार्ट से वाइब्रेशन भी नहीं है और फ्रंट के जो साइड पैनल्स हैं वो इसमें मेटल के मिलते हैं जिससे कि गाड़ी गिर जाएगी तो साइड में से ज़्यादा स्क्रैचेज आते हैं, तो वो पार्ट कंपनी ने मेटल का दे दिया है। एग्जॉस्ट मफलर के ऊपर क्रोम हीट शील्ड प्रोवाइडेड है जो कि मेटल की है, जो इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी डिफाइन करती है। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक मिलते हैं और रियर स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का अच्छा है और रोड पर बम्प्स ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, ज़्यादा आपको झटके नहीं लगेंगे। सीट काफ़ी लंबी और कंफर्टेबल है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं जो कि इलीगल है इंडिया में करना, तो आप ना करें, लेकिन मेरा बताने का फ़र्ज़ है कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि 2 लोग भी आप बैठेंगे तो स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सीट कम्फर्ट इसका अच्छा है और राइडिंग पॉस्चर इसका अपराइट है, तो राइडिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पर भी अगर आप राइड करते हैं गाड़ी को तो आपको बैक पेन तो फील नहीं होगा। जो और कपिलियन कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि सीट काफ़ी लंबी है, मतलब दोनों लोग आराम से फैल के गाड़ी पे बैठ सकते हैं। आप देखेंगे इसका साइड पैनल तो आपको अंडर सीट स्टोरेज ओपन करने के लिए की स्लॉट नहीं दिखेगा, तो
तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो इग्निशन लॉक है उसी से सीट भी ओपन हो जाती है और उसी से इग्निशन भी ऑन हो जाता है और उसी से हैंडल भी लॉक हो जाता है, जो कि एक टाइम सेविंग फीचर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सेस 125 की 5.6 लीटर्स की है, जो कि पूरी स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक नहीं मिलता, तो पेट्रोल पंप्स पर आपको सीट से उतरना पड़ेगा फ्यूल भरवाते टाइम, जो कि आपको TVS जुपिटर जैसे स्कूटर में फीचर मिल जाता है। फ्रंट टायर इसमें 90x90 का है और रियर टायर 90x100 का है। फ्रंट व्हील 12 इंच का है और रियर व्हील 10 इंच का है। रियर व्हील भी 12 इंच का होता तो स्टेबिलिटी गाड़ी की और इम्प्रूव हो सकती थी। इसमें अब न्यू चेंज ये मिलता है कि आपको इसमें अलॉय के साथ ड्रम ब्रेक भी मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। पहले अलॉय और डिस्क दोनों साथ में ही मिलते थे। ये वेरिएंट में तो डिस्क और अलॉय आपको दिख रहा है। ब्रेकिंग इसकी अच्छी है और आप कंबाइंड ब्रेक होने से और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और वेट रोड्स पर स्किडिंग के चांसेस कम हो गए हैं। अगर आपको कंबाइंड ब्रेक नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। कंबाइंड ब्रेक से होता यह है कि जब राइडर रियर ब्रेक दबाता है, यानी कि पिछला ब्रेक दबाता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ रेशो में फ्रंट ब्रेक भी दब जाता है, जिससे ब्रेक पावर जो है वो दोनों व्हील्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और स्किडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। कर्व वेट इसका 101 kg का है और इसकी सीट हाइट 773 mm की है, जो कि सभी साइज के राइडर्स के लिए सूटेड है। इसमें लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो टॉल राइडर्स को राइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस है लोएस्ट वेरिएंट की 56,000 rupees अप्रॉक्स और टॉप वेरिएंट की जो प्राइस जाती है वो जाती है 63,000 rupees अप्रॉक्स। ये प्राइस एक्स शोरूम है और ऑन रोड प्राइजेज आपको अपने नियरेस्ट सुजुकी डीलर पर ही जानने को मिलेंगी, वो मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो प्लीज़ आप वो कॉमेंट में ना पूछें। इसमें जो स्पेशल एडिशन है उसमें दो वेरियंट मिलते हैं, एक अलॉय विद ड्रम और एक अलॉय विद डिस्क। तो ये आपको अच्छी बात है कि स्पेशल एडिशन में अब आपको अलॉय विद ड्रम भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप कम पैसे देकर स्पेशल एडिशन भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स यहाँ पर कवर कर ली होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।